गर्मियों का मौसम अब शुरू हो रहा है। इस समय हमें अपने गुलाब के पौधे में कुछ खास केयर टिप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गुलाब के पौधे इस गर्मियों के मौसम में ही ख़राब हो जाते हैं। आपके पौधे के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरूजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुलाब के पौधे का समर केयर के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। उनमें से स्पेशली होते हैं माइट्स और थ्रिप्स। इसकी वजह से पौधे का हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे का हालत किस तरह का हो गया था। और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे पौधे का हालत अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है और मेरे पौधे में फ्लावर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस फ्लावर को मैं नहीं लूँगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ दूँगा। पौधे में जब माइट्स का यानी मकड़ियों का या फिर थ्रिप्स का अटैक होता है, तब पत्ते कुछ इस तरीके से मुरझा जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आप पौधे में 2-3 पेस्टिसाइड घुमा फिरा के इस्तेमाल कीजिए। एक पेस्टिसाइड से ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आप इमिडाक्लोरोबिट या फिर सुपर सोनाटा या फिर नोमाइट कॉम्पोजिशन आप देख लीजिए। इस कॉम्पोजिशन का कोई भी 2-3 पेस्टिसाइड घुमा फिरा के अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। मैं ये 3 पेस्टिसाइड घुमा फिरा के अपने पौधे में स्प्रे कर रहा हूँ। इससे ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं बार बार इन 3 पेस्टिसाइड को 7 दिन बाद बाद अपने पौधे में स्प्रे कर रहा हूँ। गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे में फ्लावर्स आ तो जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ कलर कुछ भी उतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम गर्मियों के मौसम में गुलाब से फ्लावर नहीं लेंगे। इसीलिए आप फ्लावर बड्स को हमेशा कुछ इस तरीके से तोड़ दीजिए। फ्लावर बड्स को किस टाइम पे तोड़ना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पौधे में फ्लावर बड्स को तोड़ने का सबसे अच्छा समय होता है जब आपको फ्लावर बड के अंदर फ्लावर का कलर दिखना शुरू हो जाए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये मेरा एक डार्क रेड कलर का फ्लावर है, इसको मैं अभी तोड़ दूंगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका कलर भी अब मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है, इसको भी मैं यहाँ पर तोड़ दूंगा। इसका भी कलर अब निकल रहा है, इसको भी मैं तोड़ दूंगा। लेकिन ये जो फ्लावर है ये अभी काफ़ी छोटे हैं, इस स्टेज पर हम इनको नहीं तोड़ेंगे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे कुछ इस तरीके के, उसके बाद हम इनको तोड़ देंगे। गर्मियों के मौसम में फ्लावर बड्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो पौधे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता और पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए आप फ्लावर बड्स को हमेशा तोड़ दीजिए। इसके अलावा जो मिनीचर रोज़ होते हैं उनके फ्लावर बड्स को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इनको भी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस पौधे का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, मैं तो कैंची नहीं लाया, नहीं तो मैं काट देता। गर्मियों के मौसम में पौधे में काफ़ी ज़्यादा घास घूस भी उग जाते हैं, इसीलिए आप हमेशा इनको निकालते रहे, क्योंकि ये घास घूस पौधे के मिट्टी से हमेशा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और पौधे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसीलिए आप इनको हमेशा निकालते रहे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र यानी खाद के बारे में।
बहुत लोग मानते हैं गर्मियों के दिनों में गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में ही गुलाब के पौधे का सबसे अच्छा ग्रोथ होता है, और अगर हम गर्मियों में गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो पौधे का ग्रोथ कैसे होगा। इसीलिए गुलाब के पौधे में गर्मियों के मौसम में भी अच्छा खासा फर्टिलाइजर देना होगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आप पौधे के मिट्टी में ज़्यादा फर्टिलाइजर एक साथ ना दें। अगर आप पौधे के मिट्टी में फर्टिलाइजर देते हैं तो महीने में एक बार या फिर ज़्यादातर 15 दिन में एक बार ही अपने पौधे में फर्टिलाइजर दीजिए, और बहुत ही कम क्वांटिटी में दीजिए। इससे आपके पौधे का नुकसान भी नहीं होगा और आपके पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। गर्मियों में गुलाब के पौधे में अगर आप फर्टिलाइजर स्प्रे करके देंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आप NPK कोई भी बैलेंस रेशियो वाला हर 15 दिन में एक बार पत्तियों में स्प्रे कीजिए। इसके साथ साथ महीने में एक बार कोई भी एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पौधे में स्प्रे कीजिए, और हर 7 दिन में एक बार मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे की मिट्टी में दे दीजिए। अगर आप इस फर्टिलाइजर रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और आपका पौधा विंटर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। विंटर हो या फिर समर, गुलाब के पौधे में अक्सर इस तरीके के जंगली ब्रांच या फिर सेवन लीफ ब्रांच, जिसे आप कह सकते हैं, ये निकल जाते हैं। आप जब भी देखें आपके पौधे में ऐसा कोई ब्रांच निकल रहा है तब आप उसे तुरंत तोड़ दीजिए। मैंने इसको पहले तोड़ के रखा था लेकिन वीडियो बनाने के लिए पूरा नहीं तोड़ा था। अब मैं इसको पूरा तोड़ देता हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा कांटे होते हैं, इसीलिए आप बहुत ही संभाल के इसे तोड़िए और फेंक दीजिए। इस ब्रांच में कभी भी फ्लावर्स नहीं आते, ये बस अपने पौधे से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, इसीलिए इस ब्रांच को देखते ही आप तोड़ दीजिए। गर्मियों के दिनों में गुलाब के पौधे का जो मेन इम्पॉर्टेंट केयर है वो है आप दिन में 2 से 3 बार पौधे को ज़रूर अच्छी तरीके से नहला दीजिए। आप कुछ इस तरीके से पत्तियों के नीचे भी अच्छी तरीके से पानी का स्प्रे कीजिए। इससे पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। इसके साथ साथ पौधे में कीड़ों का अटैक होने का चांस भी काफ़ी कम हो जाएगा। आप दिन में कम से कम 2 बार आपके पौधे को ज़रूर नहलाइए, एक बार सुबह के टाइम और एक बार शाम के टाइम। ये काम तो गर्मियों के दिनों में आपको करना ही होगा, नहीं तो आपके पौधे का ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगा और इसके साथ साथ आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा कीड़ों का अटैक भी शुरू हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो गर्मियों में गुलाब के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।